तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद इश्तियाक साहब, जो कि आज मुइथाई की मीटिंग में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तो अब इनसे हम पूछेंगे कि ये अपने इस बारे में क्या ख्याल है, अपने पेश करते हैं। असल वेलकम इश्तियाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपके इस बारे में क्या ख्याल आता है, इस मीटिंग के बारे में? मीटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है और बड़े शफाफ और अच्छे अंदाज से जो मुंतखब किए गए हैं, मेहनती लोग आगे आए हैं, सबको मौका मिला है कि वो अपने जो मेहनत से जो है वो इनिशिएटिव लें और काम करें, आगे आएं और खिलाड़ियों को आगे लेके आएं। तो सर जी, जो 28-29 तारीख को जो चैंपियनशिप आप करवा रहे हैं फैसलाबाद में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी प्रपोज़ल जो है वो कबूल की गई है और हमें परमिशन दी गई है कि आप फैसलाबाद में इंटर डिवीज़न पंजाब चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ करें। तो उसमें हम ये करेंगे कि फर्स्टली हम 3 घंटे का जो है वो रिफ्रेशर कोर्स, जो कोचिंग कोर्स होता है वो करेंगे, जिसमें ऑफिशल्स और टीचर्स कोच उनको मौका मिलेगा कि वो फाइट्स के रूल्स वगैरह वो वज़ा उसमें करें और उसको प्रमोट करें। और सेकंडली फिर ये है कि हमारी 2 दिन की वो चैंपियनशिप होगी, जिसमें नॉन डिविजन जो हैं वो मदमुकाबल होंगी, आपस में इंशाल्लाह टकरा होगा इन नॉन डिविजनों के दरमियान, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले खिलाड़ियों के लिए हमने प्राइजेज रखे हुए हैं और ऑफिशियल्स के लिए शील्ड्स और खिलाड़ियों के लिए मेडल्स रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।